आज हम फिजिकल केमिस्ट्री की यूनिट फोर इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री पार्ट फर्स्ट को स्टार्ट करते हैं इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री पार्ट फर्स्ट में आज के लेक्चर में हम इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का इंट्रोडक्शन तथा इलेक्ट्रिकल ट्रांसपोर्ट के बारे में हम स्टडी करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का इंट्रोडक्शन व्हाट इज इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री क्या है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री केमिस्ट्री की वह ब्रांच है जिसमें हम इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन का अध्ययन करते हैं अब यह इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन किसके द्वारा होगी यह इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन डिफरेंट स्पॉन्टीनियस केमिकल रिएक्शंस से जो एनर्जी रिलीज होती है उसको यूज़ करके जिस इलेक्ट्रिसिटी का प्रोडक्शन होगा या इलेक्ट्रिकल एनर्जी का प्रोडक्शन होगा उसको हम स्टडी करेंगे तथा इस इलेक्ट्रिकल एनर्जी को यूज़ करके विभिन्न नॉन स्पॉन्टेनियस केमिकल रिएक्शन को की स्टडी भी इसी में इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के अंदर इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री पढ़ने से पहले हमें यह जानना होगा कि वाट आर कंडक्टर्स चालक क्या होते हैं कंडक्टर्स वे सब्सटेंस होते हैं कंडक्टर्स आर दो सबस्टेंसेज विच अलाउ पास ऑफ इलेक्ट्रिसिटी विद इन दैम अर्थात वे पदार्थ जो कि अपने में से इलेक्ट्रिक करेंट को पास होने देते हैं या पास होने के लिए अलाउ करते हैं दीज आर कॉल्ड कंडक्टर्स कंडक्टर्स दो प्रकार के होते हैं मेटलिक कंडक्टर्स एवं इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर्स तो इस प्रकार से हमने देखा कंडक्टर्स तो सब्सटेंसेस होते हैं और सब्सटेंसेस के अलावा कंडक्शन क्या होता है या कंडक्टिविटी क्या होती है या हम इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी की बात करते हैं इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी इलेक्ट्रिकल ट्रांसपोर्ट यानी विद्युत अभिगमन से रिलेटेड है तो पहले हम देखेंगे कि इलेक्ट्रिकल ट्रांसपोर्ट यानी विद्युत अभिगमन क्या होता इलेक्ट्रिसिटी का एक प्लेस से दूसरे प्लेस की ओर मूवमेंट करना अर्थात जाना विद्युत का अभ अभिगमन कहलाता है यानी इलेक्ट्रिकल ट्रांसपोर्ट कहलाता है इलेक्ट्रिक करंट जब किसी सब्सटेंस में से पास होती है यानी इलेक्ट्रिक करंट को जब किसी सब्सटेंस में से पास किया जाता है तो इस इलेक्ट्रिक करंट को हम इलेक्ट्रिकल कंडक्शन कहते हैं या इलेक्ट्रिक कंड इलेक्ट्रिक कंडक्शन कहते हैं या हम कंडक्टिविटी भी कहते हैं यह इलेक्ट्रिकल कंडक्शन टू टाइप्स यानी दो प्रकार का होता है फर्स्ट टाइप है मेटलिक कंडक्शन या धातु में चालकता जिसे हम इलेक्ट्रॉनिक कंडक्शन भी कहते हैं मेटल्स जो होते हैं मेटल्स में फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं और फ्री इलेक्ट्रॉन्स के कारण मेटल्स जो होते हैं वो अपने आप में से अपने में से इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करते हैं यानी पास करते हैं और इस प्रकार से जो मेटल्स होते हैं वो कंडक्टर्स होते हैं या इलेक्ट्रिकल कंडक्शन में इलेक्ट्रिकल कंडक्शन करते हैं तो मेटल्स में विद्युत की चालकता यानी इलेक्ट्रिक इलेक्ट्रिसिटी की कंडक्शन जो है वो फ्री इलेक्ट्रॉन्स के कारण होती है मेटल्स को इसीलिए हम मेटल्स की कंडक्शन को या मेटलिक कंडक्शन को हम इलेक्ट्रॉनिक कंडक्शन भी कहते हैं मेटल्स का यह एक बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है इसलिए हम इसे मेटलिक कंडक्शन भी कहते हैं या धात्विक चालकता भी कहते हैं या फिर हम इसे इलेक्ट्रॉनिक कंडक्शन भी कहते हैं क्योंकि मेटल्स में जो आउटर मोस्ट शेल के जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो लूजली बाउंड होते हैं और लूजली बाउंड होने के कारण हम इन्हें इजीली एस्केप कर सकते हैं या इजीली हम इनको फ्री कर सकते हैं और इन फ्री इलेक्ट्रॉन्स के कारण इलेक्ट्रिसिटी कंडक्शन होता है मेटल्स में इसीलिए जो मेटल्स होते हैं वो इलेक्ट्रॉनिक कंडक्टर्स कहलाते हैं नेक्स्ट टाइप ऑफ कंडक्शन जो होता है इलेक्ट्रिसिटी का वो होता है इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्शन या आयनिक कंडक्शन या आयनिक कंडक्टेंस भी हम कहते हैं इसको कंडक्शन या कंडक्टेंस बात एक ही होती है तो आयनिक कंडक्टेंस क्या होगी आयनिक कंडक्टेंस इज ड्यू टू आयंस आयंस के माइग्रेशन के कारण जो कंडक्टेंस होती है उसको हम आयनिक कंडक्टेंस कहते हैं तो आयनिक कंडक्टेंस आयनों के द्वारा संपन्न होती है और जब किसी आयनिक सब्सटेंस के सब्स सोल्यूशन में से और ये जो सॉल्यूशन होगा आयनिक सब्सटेंस का जो सॉल्यूशन होगा या तो ये मोल्टन सॉल्यूशन होगा यानी गलित विलयन होगा गलित सब्सटेंस हम ले लेंगे तो गलित सब्सटेंस यानी मोल्टन सब्सटेंस का जो सॉल्यूशन होगा वो सॉल्यूशन होगा या फिर आयनिक सब्सटेंस इज़ डिजोल्डिंग वाटर या फिर हम इसको आयनिक सब्सटेंस का एक्वस सॉल्यूशन यानी जलीय विलयन लेते हैं तो आयनिक सब्सटेंस का जो सॉल्यूशन हुआ या तो मोल्टन सोल्यूशन होगा या फिर एक्वस सॉल्यूशन यानी जलीय विलयन होगा और इस विलयन में से इस सॉल्यूशन में से जब इलेक्ट्रिकल करंट को हम पास करते हैं तो उस सॉल्यूशन में कुछ केमिकल रिएक्शन भी आ, संपन्न होंगी है ना कुछ केमिकल रिएक्शंस होंगी और क्या केमिकल रिएक्शन होंगी जब किसी आयनिक सॉल्यूशन में से हम करंट पास करेंगे तो करंट जब हम पास करेंगे तो उस आयनिक जो सॉल्यूशन है आयनिक सॉल्यूशन उसका केमिकल डिकम्पोजिशन होगा यानी रासायनिक विक्टन होता है और केमिकल डिकम्पोजिशन के कारण जो आयनिक सॉल्यूशन है वो अपने आयन्स में डिकम्पोज हो जाते हैं और ये जो आयन्स हैं वो इलेक्ट्रिकल करंट को पास करने से ये आयन्स अपने अपोजिट इलेक्ट्रोड्स की तरफ माइग्रेट करते हैं तो ये अपोजिट इलेक्ट्रोड्स की तरफ जब माइग्रेट करते हैं तो इसके फलस्वरूप फिर से इलेक्ट्रिक करंट हमारा जो सॉल्यूशन है उसमें पास होता है तो हम ये कह सकते हैं के आयनिक सब्सटेंस इलेक्ट्रिसिटी पास करने से अपने जो इंडिविजुअल जो आयन्स हैं कॉन्स्टिट्यूटिंग आयन्स हैं यानी अवयवी आयन में डिकम्पोज हो जाते हैं और इस प्रकार इलेक्ट्रिकल करंट के इफेक्ट से किसी भी आयनिक कंपाउंड का उसके आयनों में डिकम्पोजिशन क्या कहलाएगा इलेक्ट्रोलाइटिक इलेक्ट्रो आ, इलेक्ट्रो, आ, इलेक्ट्रो, आ, इलेक्ट्रो आ, इलेक्ट्रोलाइटिक डम्पोजिशन कहलाता है और इस प्रकार यौगिक का आइनों में अपघटन इलेक्ट्रोलाइसिस कहलाता है और इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन कहते हैं या इलेक्ट्रोलाइसिस कहते हैं बात देखी है लाइसिस मीन्स विघटन या ब्रेक होना तो इलेक्ट्रिकल करंट के कारण आयनिक सॉल्यूशंस में सब्सटेंस का आयनिक सॉल्यूशन किसी भी सब्सटेंस के आयनिक सॉल्यूशन का आयन आयंस में डिवाइड हो जाना या आयंस में विघटन हो जाना डिकम्पोजिशन हो जाना डिकम्पोज हो जाना इलेक्ट्रोलिसिस कहलाता है और इस इलेक्ट्रोलाइसिस के कारण यानी विद्युत अपघटन के कारण जो कंडक्टेंस जो होगी उस कंडक्टेंस को हम आयनिक कंडक्शन या आयनिक कंडक्टेंस या आयनिक कंडक्शन अथवा इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टेंस या इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्शन भी कहते हैं अब चूँकि इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टेंस जो होती है यह आयनिक जो सब्सटेंस होते हैं यह यह जो प्रॉपर्टी होती है वह विभिन्न डिफरेंट आयनिक सब्सटेंस जैसे एसिड्स बेसिस एवं सॉल्ट्स में पाया जाता है और इस कारण इन ये जो जितने भी कंपाउंड्स होते हैं जिनमें आयनिक कंडक्टेंस पाया जाता है जैसे कि आयनिक कंडक्टेंस यानी इलेक्ट्रोलिसिस का की प्रॉपर्टी होती है इलेक्ट्रोलाइटिक प्रॉपर्टी जो होती है इन आयनिक पदार्थों को जिन जिन, जिन जैसे एसिड्स हैं बेसिस हैं और सॉल्ट्स हैं इस, इस कारण इन आयनिक प्रॉपर्टी इलेक्ट्रोलाइटिक प्रॉपर्टी के कारण इन यौगिकों को हम इलेक्ट्रोलाइट्स भी कहते हैं क्योंकि इलेक्ट्रिक करंट पास होने पर ये अपने कॉन्स्टिट्यूंट आयन्स में डिकम्पोज हो जाते हैं ये अपने इंडिविजुअल जो कि इनके अवयवी आयन थे उन आयन में अपघटित हो जाते हैं इसलिए हम इनको इलेक्ट्रोलाइट इलेक्ट्रोलाइट्स भी कहते हैं विद्युत अवघट्य भी हम कहते हैं और विद्युत अवघट्य कौन कौन से हो गए एसिड्स बेसिस एवं सॉल्ट्स अब हम आते हैं विशिष्ट चालकता पे यानी विशिष्ट चालकता से हम जानना चाहेंगे कि चालकता क्या होती है और क्या है। क्या होती है? रेजिस्टेंस क्या होता है चालकता क्या होती है एवं रेजिस्टेंस क्या होता है रेसिस्टेंस जो होते हैं इनको हम इस प्रकार से परिभाषित कर सकते हैं कि चालकता हमेशा रेजिस्टेंस का जो व्युत्क्रम होती है चालकता हमेशा रेजिस्टेंस यानी प्रतिरोध का व्युत्क्रम होती है और विशिष्ट चालकता जो होती है विशिष्ट चालकता विशिष्ट प्रतिरोध का व्युत्क्रम यानी इन्वर्स होती है हमने क्या कहा कंडक्टेंस यानी चालकता हमेशा रेजिस्टेंस का इन्वर्स होती है यानी वन बाई आर कंडक्टेंस इज इक्वल टू वन अपॉन रेजिस्टेंस यानी रेजिस्टेंस का इन्वर्स कंडक्टेंस होती है चालकता होती है और विशिष्ट चालकता यानी स्पेसिफिक कंडक्टिविटी क्या होती है स्पेसिफिक कंडक्टेंस जिसे हम के यानी कप्पा से शो करते हैं है, है, स्पेसिफिक कंडक्टेंस जो होती है वह स्पेसिफिक रेजिस्टेंस का इन्वर्स होती है यानी स्पेसिफिक रेजिस्टेंस विशिष्ट प्रतिरोध ठीक है तो अब हम देखते हैं कि विशिष्ट चालकता यानी विशिष्ट चालकता यानी कप्पा क्या होती है सबसे पहले हम देखेंगे कि किसी भी जो सब्सटेंस है उसका रेजिस्टेंस जो होता है उस या कंडक्टर का रेजिस्टेंस जो होता है सब्सटेंस जो कि इलेक्ट्रिकली कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी अपने में से कंडक्ट करता है यानी इलेक्ट्रिसिटी को अपने में से फ्लो होने देता है और इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होने देते हैं वो क्या कहलाते हैं कंडक्टर्स कहलाते हैं यानी चालक कहलाते हैं तो किसी भी चालक का जो रेजिस्टेंस होता है वो उसकी लंबाई के यानी उसकी लेंथ के तो प्रोपोर्शनल होता है और उसके एरिया के क्रॉस सेक्शनल एरिया के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है यानी किसी भी कंडक्टर का रेजिस्टेंस उसकी लंबाई के लेंथ के प्रोपोर्शनल होता है और उसके क्रॉस सेक्शनल एरिया के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है और जब लेंथ और एरिया को हम एक साथ लिख देते हैं तो आर इज प्रोपोर्शनल टू एल बाई ए एल इज़ लेंथ ए इज द क्रॉस सेक्शनल एरिया यानी अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल और जब हम प्रोपोर्शनलिटी साइन हटाते हैं तो एक कांस्टेंट हमें प्राप्त हो जाता है और ये कांस्टेंट होता है रो जिसे कि हम कहते हैं स्पेसिफिक रेजिस्टेंस रो को हम कहते हैं स्पेसिफिक रेजिस्टेंस तो इस प्रकार से जो रेजिस्टेंस होता है यानी प्रतिरोध होता है किसी भी चालक का प्रतिरोध या किसी भी कंडक्टर का रेजिस्टेंस जो होता है इट इज़ इक्वल टू स्पेसिफिक रेजिस्टेंस रो इन टू एल वाई ए एल इज़ द लेंथ ए इज द क्रॉस सेक्शनल एरिया एंड रो इज़ द विशिष्ट प्रतिरोध यानी स्पेसिफिक रेजिस्टेंस और ये जो स्पेसिफिक रेजिस्टेंस है रो इसका जो इन्वर्स होता है यानी विशिष्ट प्रतिरोध का इन्वर्स व्युतक्रम विशिष्ट चालकता कहलाता है अब हम इसको इस प्रकार से लिख सकते हैं कप्पा यानी स्पेसिफिक कंडक्टेंस इज इक्वल टू वन अपॉन रो यानी विशिष्ट प्रतिरोध का हम ये कहेंगे कि कप्पा क्या होती है दिस इज द स्पेसिफिक कंडक्टेंस क्या होती है एक सेंटीमीटर क्यूब पदार्थ की चालकता यानी सब्सटेंस हैविंग वन सेंटीमीटर क्यूब वॉल्यूम है ना सब्सटेंस हैविंग वन सेंटीमीटर क्यूब वॉल्यूम इसकी जो कंडक्टेंस होगी चालकता होती है वह चालकता उस पदार्थ की विशिष्ट चालकता कहलाती है उस सब्सटेंस की स्पेसिफिक कंडक्टेंस की जो यूनिट है वह क्या क्या कहलाएगी स्पेसिफिक कंडक्टेंस की यूनिट स्पेसिफिक रेजिस्टेंस की यूनिट के इनवर्स होगी और स्पेसिफिक रेजिस्टेंस की यूनिट क्या होगी स्पेसिफिक रेजिस्टेंस की यूनिट जो होती है वह क्या होगी ओम सेंटीमीटर स्पेसिफिक रेजिस्टेंस की यूनिट होती है ओम सेंटीमीटर और ओम सेंटीमीटर अगर उसका इन्वर्स कर दें तो ओम सेंटीमीटर का इनवर्स क्या होगा ओम इन्वर्स सेंटीमीटर इन्वर्स ओम इन्वर्स को हम महो भी कहते हैं एम एच ओम का उल्टा महो एम एच ओ है ना तो हम कहेंगे ओम इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स कप्पा यानी स्पेसिफिक कंडक्टेंस की यूनिट होती है और जिसे हम महो सेंटीमीटर इनवर्स भी कहते हैं और महो यानी ओम जो होता है उसको ऐसा यूनिट्स में क्या कहते हैं ऐसा यूनिट में हम सीमेन कहते हैं ऐसा यूनिट में महो को क्या कहते हैं हम सीमेन कहते हैं और सेंटीमीटर इनवर्स को ऐसा यूनिट में हम मीटर इनवर्स कहेंगे तो सीमन मीटर इनवर्स जो होती है वो स्पेसिफिक कंडक्टेंस की यूनिट होती है ऐसा यूनिट में इससे नेक्स्ट जो होती है तो हमारी ऐसा यूनिट में कप्पा की जो यूनिट है स्पेसिफिक कंडक्टेंस की यूनिट होती है यह स्पेसिफिक सीमेंट मीटर इन्वर्स होती है इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक आता है यानी तुल्यांकी चालकता तो किसी भी इलेक्ट्रोलाइट में जब हम इलेक्ट्रिक करंट को फ्लो करते हैं है ना तो इलेक्ट्रिक करंट जो कितना फ्लो होगा वह इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होना कितना फ्लो होगा इसकी वैल्यू हम उस इलेक्ट्रोलाइट में कितने आयन्स हैं यानी आयनों की नंबर ऑफ आयन्स पर डिपेंड करता है कितना इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होगा किसी भी इलेक्ट्रोलाइट में तो किसी भी इलेक्ट्रोलाइट में फ्लो होने वाले इलेक्ट्रिक करंट की वैल्यू उस इलेक्ट्रोलाइट में प्रेजेंट आयंस के नंबर यानी आयनों की संख्या पर निर्भर करता है अर्थात स्पेसिफिक कंडक्टेंस किसी भी सोल्यूशन में उपस्थित इलेक्ट्रोलाइट की कंसंट्रेशन पर निर्भर करती है नंबर ऑफ आयंस मीन्स उसकी कंसंट्रेशन अब यदि इलेक्ट्रोलाइट की एक निश्चित मात्रा ले लें और उसकी निश्चित मात्रा को हम मॉलिकुलर वेट के रूप में ले लें ना, इलेक्ट्रोलाइट के कंसेंट्रेशन को किस आ, मतलब अमाउंट को किस आ, 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 किस वे में ले लें मॉलिकुलर वेट के रूप में हम की फॉर्म में ले लें अणुभार के रूप में ले लें तो उसे हम आ, क्या कहेंगे उसे जल के समान आयतन में घोलकर उसकी चालकता ज्ञात की जाएगी है ना तो उसकी क्या कहेंगे हम उसे उसको जल के मतलब इक्वल वॉल्यूम ऑफ वाटर यानी जल के समान आयतन में हम उस सब्सटेंस को हम घोल देंगे मोलिकुलर वेट के मोलिकुलर वेट उसका हम उसका देखेंगे और उसको जल के इक्वल वॉल्यूम में हम उसको घोल लेते हैं मतलब उसको डिजोल्व कर लेंगे और उसकी कंडक्टेंस ज्ञात कर लेंगे ठीक है अब और जब हम मोलिकुलर वेट लेकर हम उसको आ, आ, उसकी कंडक्टेंस की याद करेंगे तो ये कंडक्टेंस कौन सी होगी मोलर कंडक्टेंस कहलाएगी क्योंकि हमने मोलिकुलर वेट को हमने लिया है उसकी कंसंट्रेशन को किस फॉर्म में लिया है उसकी आ, जो सब्सटेंस की मात्रा है पदार्थ की मात्रा को हमने मोलिकुलर वेट की फॉर्म में लिया है मोलिकुलर वेट की फॉर्म में लिया है तो इस प्रकार से हमें जो आ, हम कंडक्टेंस प्राप्त होगी हम उसको मोलर कंडक्टेंस कहेंगे परंतु यदि इलेक्ट्रोलाइट की मात्रा तो हम इक्विवेलेंट वेट के रूप में लेंगे और यदि क्या कहेंगे यदि इलेक्ट्रोलाइट की जो अमाउंट है उसको किस फॉर्म में ले रहे हैं हम इक्विवेलेंट वेट यानी तुल्यांकी भार के रूप में अगर हम ले रहे हैं तो इस प्रकार से जो हमें कंडक्टेंस प्राप्त होगी वो कंडक्टेंस कौन सी होगी इक्विवेलेंट कंडक्टेंस यानी तुल्यांकी चालकता हमें प्राप्त हो जाएगी और यदि मॉलिकुलर वेट के रूप में लेंगे तो हम उसे मूलर चालकता कहेंगे यानी मूलर कंडक्टेंस कहेंगे और यदि सब्सटेंस uh, का अमाउंट हम यदि इक्विवेलेंट वेट रूप में लेते हैं तो हम उसे इक्विवेलेंट कंडक्टेंस कहते हैं इस प्रकार किसी भी इलेक्ट्रोलाइट के एक ग्राम तुल्यांकी भार को यानी वन इक्विवेलेंट इक्विवेलेंट वेट को यदि हम निश्चित आयतन जल के निश्चित आयतन में सॉल्यूबल सौल, करके यानी विलय डिजोल्व करके यानी विलय करके एक सेंटीमीटर दूरी पर रखें और दो परस्पर पैरेलल इलेक्ट्रोड्स के मध्य उपस्थित आयनों के द्वारा उत्पन्न चालकता है ना दो पैरेलल इलेक्ट्रोड्स के मध्य क्या होगा जो सॉल्यूशन है वो उसके आयन्स होंगे और उन आयन्स के द्वारा प्रोड्यूस्ड जो कंडक्टेंस है उस कंडक्टेंस को हम क्या कहते हैं इक्विवेलेंट कंडक्टेंस कहते हैं जिसे कि हम लैम्डा द्वारा शो करते हैं जिसे कि हम इक्वी इस कंडक्टेंस को किसके द्वारा शो करते हैं लेमडा के द्वारा शो करते हैं और इस इक्विवेलेंट कंड और स्पेसिफिक कंडक्टेंस को यानी कप्पा जो होती है वह वह सॉल्यूशन के निश्चित आयतन से गुणा करने पर कप्पा को यदि यानी विशिष्ट चालकता को विलयन के निश्चित आयतन से यदि हम गुणा करते हैं तब हमें क्या मिलेगा इक्विवेलेंट कंडक्टेंस यानी तुल्यांकी चालकता प्राप्त होती है

यह सॉल्यूशन का वह आयतन है वह वॉल्यूम है सेंटीमीटर क्यूब में वॉल्यूम कौन सी यूनिट में है सेंटीमीटर क्यूब में तो सेंटी क्यूब मीटर क्यूब में विलियन का वो वॉल्यूम वह आयतन जिसमें इलेक्ट्रोलाइट का वन ग्राम इक्विवेलेंट घुला हो क्या कहलाएगा ये वॉल्यूम कहलाएगा और ये वॉल्यूम जो होगा इसको क्या कहेंगे एन बाई थाउजेंड एन इज़ द नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट एन क्या है यहाँ नॉर्मलिटी या नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट जिसे हम नॉर्मलिटी भी कहते हैं नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट पर लीटर ऑफ द सोल्यूशन या पर लीटर ऑफ़ द वॉल्यूम पर लीटर वॉल्यूम ठीक है तो एन इज़ द नॉर्मलिटी जो कि नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स पर वन लीटर ऑफ सॉल्यूशन या वन लीटर ऑफ सॉल्वेंट भी हम कह सकते हैं इसको तो लैमडा इज इक्वल टू कप्पा इन थाउजेंड अपॉन एन है ना कप्पा इज द स्पेसिफिक कंडक्टिविटी जो कि विशिष्ट चालकता है लेम्डा है कंडक्टेंस जो कि तुल्यांकी चालकता है और एन इज दी नॉर्मलिटी नॉर्मलिटी अर्थात क्या होती है किसी भी सॉल्यूशन की ग्राम इक्विवेलेंट पर लीटर में कॉन्सेंट्रेशन कॉन्सेंट्रेशन इन ग्राम इक्विवेलेंट पर लीटर तो इस प्रकार से हम देखते हैं इक्विवेलेंट कंडक्टेंस की यूनिट क्या हुई इक्विवेलेंट कंडक्टेंस जिसे हम लैम्डा से शो कर रहे हैं इसकी यूनिट क्या हुई इसकी यूनिट हुई कप्पा डिवाइडेड बाय एन इन टू तो थाउजेंड और कप्पा की यूनिट क्या होती है कप्पा इज द स्पेसिफिक कंडक्टेंस कप्पा की यूनिट है सीमेन मीटर इनवर्स है ना सीमेन मीटर इनवर्स तो कप्पा की यूनिट है और नॉ ये नॉर्मिलिटी की क्या यूनिट होगी ये होगी इक्विवेलेंट है ना इक्विवेलेंट है ना तो ये क्या हो गया तो इस इसको हम कहेंगे लेमडा इज इक्वल टू सीमन मीटर सीमा सीमन, सीमन यहाँ थी देखिए मीटर इनवर्स थी ये सीमन मीटर हम आते हैं मोलर कंडक्टेंस पे यानी मोलर चालकता पे जिसे हम लेमडा एम से शो करते हैं इक्विवेलेंट कंडक्टेंस में तो हम सब्सटेंस का इक्विवेलेंट ले वेट लेते हैं और मोलर कंडक्टेंस में हम सब्सटेंस का क्या लेंगे मोलिकुलर वेट लेंगे तो इक्विवेलेंट कंडक्टेंस के प्लेस पर आ, की जगह मोलर कंडक्टेंस को हम ज़्यादा यूज करते हैं और मोलर कंडक्टेंस क्या होती है मोलर कंडक्टेंस होती है किसी भी दिए गए सॉल्यूशन की कंडक्टेंस जिसमें सब्सटेंस का एक मोल घुला हुआ हो उस सॉल्यूशन की कंडक्टेंस जिसमें उस सब्सटेंस का एक मोल घुला हो यानी वन मोल घुला हुआ हो वन मोल डिजोल्व हो मोलर कंडक्टेंस कहलाती है जिसे म्यू अथवा लेमडा एम द्वारा व्यक्त करते हैं तो म्यू या लेमडा एम इज इक्वल टू कप्पा सी, सी इज द मोलर कंसेंट्रेशन या मोलर सांद्रता जो कि मोलरता मोलरिटी कहलाती है सी इज वॉट मोलरिटी सी को हम कैपिटल एम से भी शो करते हैं तो इसकी यूनिट क्या हो जाएगी लैमडा मोलर मोलर कंडक्टेंस की जो यूनिट है इट इज इक्वल टू लैमडा मोलर इज इक्वल टू सीमेन मीटर स्क्वायर मोल इन्वर्स तो मोलर कंडक्टेंस की यूनिट तो हो गई सीमेन मीटर स्क्वायर मोल इनवर्स और इक्विवलेंट कंडक्टेंस की यूनिट हो गई थी लेमडा इक्विलेंट इज इक्वल टू सीमेन मीटर स्क्वायर इक्वीवलेंट इनवर्स तो दोनों के फॉर्मूले में क्या डिफरेंस है दोनों के फॉर्मुले में एक ही डिफरेंस है कप्पा इन थाउजेंड अपॉन उसमें तो था इक्विवलेंट वेट है ना मो नॉर्मेलिटी है ना इक्वलेंट वेट यानी नॉर्मलिटी यानी कैपिटल एन था और यहाँ क्या होगा यहाँ मोलर कंडक्टेंस में होगा कप्पा इन टू थाउजेंड अपॉन सी या कैपिटल एम एम यानी मोलर था सी इज़ द मोलर कंसेंट्रेशन या मोलर था तो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन मोलर कंडक्टेंस एंड इक्विबलेंट कंडक्टेंस इसके साथ ही हमारा यह लेक्चर समाप्त होता है